नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 2 मई 2024 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, बहुत से बच्चों का कमेंट बॉक्स में कुछ सवाल आए थे। पहला सवाल ये था दोस्तों कि आपका एडमिशन या आवेदन की प्रक्रिया कब से शुरू होगी, और दोस्तों सेकंड सवाल ये था कि उसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से बच्चे लास्ट डेट का हमेशा इंतजार करते हैं, क्योंकि आपको बता दें मैक्सिमम बच्चे वही होते हैं जो आवेदन खत्म होने के मतलब 2 से 3 दिन पहले फॉर्म भरना शुरू करते हैं, और बाद में वही परेशान भी होते हैं। जो शुरू में कर लेते हैं उनका सब कुछ सही रहता है। चलिए इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि सरकारी कॉलेज पाने के लिए आप लोगों के कितने नंबर होने चाहिए। अब आपको एक बात यहाँ पर पता होगी कि जब डीएलएड में आप एडमिशन लेते हैं, यूपी डीएलएड में, ठीक है, तो यहाँ पर आपका कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता। आपका दोस्तों एडमिशन डायरेक्ट होता है, लेकिन वो एडमिशन का आधार मेरिट होता है। अब ये मेरिट कौन सी, देखिए बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं ना जिनको, ठीक है, पेपर देना पसंद नहीं होता। पेपर का मतलब होता है एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है, उनको लगता है कि हमारे उतने अच्छे नंबर आ नहीं पाएंगे। तो उनके लिए डीएलएड बेस्ट कोर्स है। डायरेक्ट कॉलेज की कट ऑफ क्या होगी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी, एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप। एडमिशन लेने से पहले शिक्षक बनने का पूरा नियम हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। क्या यूपी में 12वीं पास छात्रों को मिलेगा मौका? देखिए अभी इस साल काफी बच्चे मतलब अपना 12वीं कंप्लीट किए हैं, उनके मन में एक सवाल होगा, सरकारी शिक्षक की सैलरी कितनी होती है। अब आपके मन में एक सवाल है, अगर आपके गांव में, आपके शहर में, जहां पर भी अगर आप लोग कोई प्राइमरी स्कूल देखते होंगे, ठीक है ना, तो वहां भैया गुरुजी पहुंचते हैं स्प्लेंडर गाड़ी से अपने या कोई और बाइक से, तो आपको लगता होगा उनकी सैलरी बहुत कम तो नहीं होती है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, एक शिक्षक की सैलरी स्टार्टिंग ही 40,000 से होगी। 40 से कम तो कहीं नहीं मिलेगी आपको, और मान के चलिए जब आप लोगों की नौकरी लगेगी तब कम से कम 50 से ज़्यादा, लगभग 1 लाख के करीब तक सैलरी हो सकती है। क्योंकि अगर आप लोग 2024 में एडमिशन लेंगे तो आपका, ठीक है, जो सत्र चलेगा 2026 तक, कोई भी वैकेंसी आएगी 2026 या 27 में आप शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होंगे, ठीक है, और नौकरी लगते लगते 2028 लगभग लगभग आपका देखने को मिलेगा। तो एक अच्छा समय रहेगा, तो ये मान के चलिए कि एक बढ़िया सैलरी का आप लोग हकदार होंगे। तो इसीलिए ये एक बेहतर टाइम है डीएलएड में एडमिशन का। इसके लिए दोस्तों देखिए, डीएलएड में आसानी से एडमिशन आपको नहीं मिलता। जैसे अगर आप बीएड करने जाएंगे तो वहाँ पर मिनिमम एज लिमिट ठीक ठाक है, लेकिन डीएलएड में मिनिमम अगर आप 18 साल से कम हैं, ठीक है, मान लेते हैं आप 17 साल 5 महीने के, तो भी आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए। देखिए सरकारी कॉलेज में पढ़ने के लिए आपको 1 साल का 10,200 रुपये देना पड़ेगा, प्राइवेट कॉलेज में 41,000। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, देखिए दोस्तों आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए मिनिमम 50% नंबर से। अगर आपके ग्रेजुएशन में, देखिए जैसे होता है कि अगर आप बीए कर रहे हैं, मान लेते दोस्तों आप पहले साल 40% आए, लेकिन दूसरे साल आपने 60% कर लिया, तीसरे साल भी आपने 60 कर लिया, जोड़ लीजिए जरा, 60 60 120 और 40 160। अब इसको आप 3 से भाग कर दीजिए, 3 5 15, ठीक है, 1 और 3 53 हो ये, ठीक है, तो कुल मिला के दोस्तों आपका 50 से ऊपर % हो गया। लेकिन एक बात और आपको बता दें, अगर आप लोग आरक्षित वर्ग में आते हैं जैसे ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, तो यहाँ पर आपका मिनिमम 45% होगा ग्रेजुएशन में, तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। एडेड कॉलेजों में खाली पड़े शिक्षकों के पद, तो दोस्तों यहाँ पर कुछ वैकेंसी की बात आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन बड़ी वैकेंसी जल्दी आपके सामने आएगी। देखिए जरा, आईटी में बीएड, अवध में बीए के ऑफलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए जरा, जब आप लोग प्रथम सेमेस्टर में आएंगे, देखिए जैसे ही आपका एडमिशन हो जाएगा, मान लेते हैं आने वाले 1 से 2 महीने में आप लोग एडमिशन ले लेंगे, तो पहले सेमेस्टर में, देखिए डीएलएड में टोटल 4 सेमेस्टर होता है, जो आप लोगों की टीचिंग लगाई जाती है, पहले सेमेस्टर में 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, दूसरे सेमेस्टर में भी 1 से 5, तीसरे सेमेस्टर में भी 1 से 5, लेकिन दोस्तों जब आप चौथे सेमेस्टर में जाते हैं तो 6 से 8 के बच्चों को पढ़ाते हैं। ये दोस्त थोड़ा सा प्रोसेस है। अब जरा देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, तो देखिए जब आप लोग टीचिंग में जाते हैं तो बस वही है, प्राइमरी के जो बच्चे हैं उनका सिलेबस है, नॉर्मल विषय हिंदी, ये सब ये आप पढ़ाएंगे, ठीक है, मैथ हो गया। तो लेकिन अब आपको पढ़ना क्या है, पढ़ाना क्या है वो समझ गए, कौन से बच्चों को कौन सी क्लास में, अब पढ़ना क्या है, पढ़ना आपको पड़ेगा बाल विकास, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, बहुत ही आसान है सब्जेक्ट। विज्ञान आप जो पढ़ चुके, देखिए जो भी आप सब्जेक्ट देख रहे हैं, हिंदी, संस्कृत और कंप्यूटर, कुछ
कुछ भी नया नहीं रहेगा। अगर पहले से किसी बच्चे ने जैसे इंटर में या हाई स्कूल तक भी अगर आपने कंप्यूटर ठीक ठाक पढ़ा है तो उससे ऊपर का सिलेबस नहीं मिलेगा, ना तो संस्कृत में ऐसा देखने को मिलेगा, ना तो हिंदी में, ना तो सामाजिक अध्ययन में, आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है ना। तो इसीलिए पेपर को लेकर बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। यूपी डीएलएड की ऑफिशियल वेबसाइट, अधिक जानकारी के लिए आपको वेबसाइट बता देते हैं, याद रखिएगा DELED DLED, ठीक है, रिजल्ट RESULT.com, DELEDRESULT.com वेबसाइट से आप अधिक जानकारी भी प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। एडमिशन से संबंधित जो भी जानकारी आएगी, ठीक है, आप इस वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त करते रहिए। इसको सेव कर लीजिएगा मोबाइल में, इसको सर्च करिएगा गूगल पर, ठीक है, वेबसाइट आपको मिल जाएगी। बाकी और कुछ अपडेट्स आएगी, अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, ठीक है ना। फिलहाल अब आपके मन में एक और सवाल था कि सर हम डीएलएड कर लें या बीएड कर लें, आप दोनों कोर्सेज के बारे में अच्छे से जानते होंगे। देखिए, बीएड अगर आप करेंगे तो आप 1 से लेके 5 तक की शिक्षक भर्ती में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे, लेकिन जो भी बड़ी वैकेंसी आती है जैसे 50,000, 1 लाख, ठीक है ना। एक बात और होता है, इस वैकेंसी की सबसे बड़ी खासियत पता क्या होती है, मान लेते दोस्तों 1,000 पद पर ही वैकेंसी है, मान लेते छोटी वैकेंसी, तो इसमें कोई सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी नहीं होती 1 से 5 में, सभी बच्चे आवेदन कर सकते हैं डीएलएड में, ठीक है, कोई क्राइटेरिया नहीं। लेकिन जब आप 6 से 8 में जाएंगे, ठीक है, या 9 से 10 में जाएंगे, यहाँ सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी हो जाती है। आपका सब्जेक्ट क्या था ग्रेजुएशन में, कैसे आपने क्या किया, वो मैटर करता है। तो इसलिए हम आपको ये चीजें बताते हैं कि आपको ज्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि बहुत से बच्चे परेशान होते हैं सर कैसे क्या होगा। तो उम्मीद करते हैं अब आप समझ रहे होंगे धीरे धीरे। डायट कॉलेज के जो कट ऑफ जाएगी सरकारी कॉलेज में कितने नंबर पर आपका एडमिशन होगा जरा समझिए। जनरल कैटेगरी से आप संबंधित हैं तो कम से कम 230 प्लस, EWS में 225, OBC में 225 से कम में तो बात ही नहीं बनेगी, SC में 210 तक भी काम हो सकता है, ST में 200 प्लस और फिजिकल हैंडीकैप में 180 प्लस, ठीक है। अब देखिए एक बात और आपको बता दें, अब आप लोग को कॉलेज कैसे मिलता है ये भी जरा समझ लीजिए, कॉलेज आपको अलॉट कैसे किया जाता है। बहुत से बच्चे भी यही नहीं जानते कि सर कॉलेज हमें मिलेगा कैसे। देखिए, अगर आपको कॉलेज प्राप्त करना है, ठीक है, तो पहले दोस्तों अगर आपका यहाँ पर मान लेते सेंटर में घर है, तो आप लोग पहले मान लेते आपके घर से कॉलेज इतनी दूरी पर है, दूसरा कॉलेज यहाँ पर है यहाँ से, फिर या तो ऐसे तीसरा कॉलेज हो सकता है और दूर हो, चौथा कॉलेज हो सकता है और दूर हो। तो पहले आप लोग अपने घर के पास वाले कॉलेज में जाकर पता कर लीजिएगा डीएलएड के बारे में कैसे क्या प्रोसेस है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले ये पता कर लीजिएगा कि सर हम क्लास ना करना चाहें। देखिए, आप लोग यही चाहते हैं कि भैया हमें कॉलेज ना जाना पड़े, ठीक है, मैक्सिमम बच्चों के मन की बात हम आपको बता दें। या तो आप लोग ये चाहते हैं क्लास ना करना पड़े, या तो दूसरी कंडीशन कि आप अपने मन से जाना चाहते हैं, जब आपका मन करेगा क्लास करेंगे, जब आपका मन करेगा क्लास नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये दोस्तों पहले ही कॉलेज में आप क्लियर कर लेंगे। बहुत से ऐसे कॉलेज होते हैं जहाँ एक भी दिन आप नहीं जाएंगे, सिर्फ पेपर देने जाइए, कोई दिक्कत नहीं, कॉलेज को पैसा दीजिए, बात खत्म। लेकिन बहुत से ऐसे कॉलेज होते हैं जहाँ पर आप क्लास नहीं करेंगे तो कहेंगे भैया फाइन दो, एक दिन नहीं है 100 रुपये, 1 महीने का या 1 सेमेस्टर का रेट तय कर देंगे। रेट क्या लग जाएगा, 1 सेमेस्टर नहीं आओगे 5,000 रुपये लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे करके आपसे पैसों की डिमांड की जाती है। तो हर एक बात को आप लोग जानते रहेंगे तो बेहतर होगा, ठीक है ना। तो फाइन, ये सब बातें। और देखिए, प्राइवेट कॉलेज में बहुत जगह एक्स्ट्रा फीसेस ली जाती है, आप लोग जब एडमिशन लेने जाएंगे तो भैया पहले एक, ठीक है, पेज में लिखवा लीजिएगा कि सर कितना कॉलेज फीस लगेगी, एडमिशन क्या क्या प्रोसेस है, पूरे साल में कितना पैसा लगेगा, प्रैक्टिकल के टाइम, एग्जामिनेशन फॉर्म भरते के समय कितना, सब कुछ जान लीजिएगा। और उसके बाद एक बेहतर कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, ठीक है ना। सोशल मीडिया की तमाम अफवाहों से आपको बच के रहना है। मिलेंगे दोस्तों एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और अगर आपका कोई सवाल अब भी बच रहा है, आवेदन कब से शुरू होगा जरा समझ लीजिए। आवेदन दोस्तों इसी महीने, उम्मीद कर सकते हैं मई के लास्ट तक, ठीक है, पहले फॉर्म आने दीजिए। और जब भी आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, कम से कम आपको, ठीक है, 10 से लेकर 15 दिन का समय दिया जाएगा, ठीक है, इतने में आपका आवेदन हो जाएगा। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।